नमस्कार, मेरा नाम है साहजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के जिस तरीके की खबरें आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी की मां, उसके बाद ऋषभ पंत, उसके बाद आप पेले, उनका निधन हो गया है। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, प्रधानमंत्री मोदी की माँ का निधन हो गया, इससे पूरे भारत में शोक का माहौल है। आज के फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे के रूप में जो है बताया जा रहा है। साल के अंतिम दिनों में, साल खत्म होते होते यहाँ पर एक दुख भरी खबर जो है पूरे देशवासियों के लिए आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का 100 साल के उम्र में जो है निधन हो जाना, प्रधानमंत्री मोदी को जगजाहिर सी बात है कि एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि उनके करियर में, जो वो प्रधानमंत्री जब तक बने, वहाँ पर उनकी माँ ने उनका बेहद ज़्यादा साथ दिया। हालांकि पापा उनसे तंग रहते थे, लेकिन माँ जो है उनसे उनका हमेशा समर्थन करती थी, उनका हमेशा सपोर्ट करती थी। तो माँ का जाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बेहद ही दुखदायी खबर है, जिसको प्रधानमंत्री के मन में जो ये दुख जो अभी उमड़ा पड़ा है, एक तरीके से बेहद ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के दुखी है। तमाम नेता, राजनेता ट्विटर के जरिए अपनी संवेदना जो है पीएम मोदी की मां को लेकर के, पीएम मोदी को लेकर के व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिंपल यादव ने भी जो है अपने ट्विटर हैंडल से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के निधन को लेकर के जो है यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, संवेदना व्यक्त की है। और जल्द डिंपल यादव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने भी पहुंच सकती है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।